ये तो मशीन मेड है, बाकी आप इसके जगह पे हैंडमेड बम्बू स्टिक भी यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप इसे रोल करोगे। स्टार्टिंग में तो परेशानी आती है, अब मान के चलो हम भी अगर पहली बार कर रहे होते तो इस तरह से शानदार क्वालिटी की रोल नहीं कर पाता मैं। 100 KG प्रतिदिन का यदि आपका माल बनता है तो आप खुद से जोड़ लो कि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपका 1000 रुपीज़ का पर डे का आपका अर्निंग होता है। ठीक है, आप ही। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पाउडर, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है जिस भी पाउडर का, तो यहाँ पे इस बोरी के अंदर देख सकते हैं आप, चारकोल पाउडर और सॉडस्ट पाउडर, अब वो उसमें ऑलरेडी मिक्स करके रखा हुआ है, तो उसकी जो भी प्रॉपर मात्रा होती है वो हम यहाँ पे वेटिंग स्केल के मदद से एक प्रॉपर मात्रा इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें हम लोग डालते हैं चारकोल और सॉडस्ट का जो मिक्सचर है, और वो डालते हैं यहाँ पे। डालो कितना? 250। 300 ग्राम डालो। तीन सौ या 200 ग्राम ही डालो ना, 300 बहुत है। यहाँ पे हम लोग ये 200 ग्राम ब्लैक पाउडर का ये ले रहे हैं, और चूंकि जस्ट थोड़ा सा बना के दिखाना है आप लोगों को, यहाँ पे 200 ग्राम हमने ये चारकोल पाउडर और सॉडस्ट पाउडर का मिक्सचर ले लिया है। अब हम लोग इसमें बाइंडर डालते हैं। बाइंडर के तौर पे आप जोस का यूज कर सकते हो, जिगट का यूज कर सकते हो, गौरगम का यूज कर सकते हो, बट हैंडमेड अगरबत्ती के लिए जिगट ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, डालो। यहाँ पे हम लोग 200 ग्राम लिए हैं ये ब्लैक पाउडर, तो यहाँ पे अब 30 ग्राम बाइंडर ले रहे हैं, मतलब 1 KG पाउडर के साथ 150 ग्राम बाइंडर हमें लेना होता है, तो 200 ग्राम के लिए हमने यहाँ पे 30 ग्राम बाइंडर ले लिया है। अब ये हैंडमेड बत्ती में क्या होता है, पानी का जो मात्रा होता है, जितना आपका पाउडर का वजन होता है उतना ही आपको पानी का भी मात्रा डालना होता है, तो यहाँ पे हमारा टोटल वेट जो हो गया वो 230 ग्राम हो गया है, तो 230 ग्राम ही इसमें पानी भी डाल लेते हैं। मौसम के अकॉर्डिंगली ये जो पानी का सिनेरियो है वो चेंज होता है, पानी का रेशियो जो है वो चेंज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो वैरी करता रहता है। जब आप चीज़ों को करोगे तो वो आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पानी डालना स्टार्ट करते हैं। जीरो कर लो पहले। पानी कितना? 230 ग्राम डालो। ध्यान से, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहने दो। अरे ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, डालो। मिला मिला इस बीच हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि पानी डालने से पहले जो 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 भी बाइंडर आप यूज कर रहे हो, बाइंडर के तौर पे या फिर आप जिकट का यूज कर रहे हो या जोस का या गौरगम का, किसी भी बाइंडर का आप यूज कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखना है कि उसमें पानी डालने से पहले वो बेस पाउडर यानी कि ब्लैक पाउडर के साथ वो ऑलरेडी बढ़िया तरीके से मिक्स्ड हो चुका हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे आटे को हम लोग गूंधते हैं कुछ इस तरह से, ये अभी अब हमारा तैयार हो चुका है। अभी अब इसको हम लोग
नहीं अभी नहीं हुआ, थोड़ा और उसको बढ़िया से सानो। थोड़ा सा हैंडमेड अगरबत्ती में मसाला बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक्चुअली इतनी कम मात्रा में हम लोग अभी हैंडमेड अगरबत्ती आपको इसलिए बना के दिखा रहे हैं, कारण है कि अभी ये जस्ट छठ पूजा का छुट्टी चल रहा है हमारा और हम लोग इसी पीरियड में वीडियो बना रहे हैं। तो अभी जो भी पाउडर सनेगा, ठीक है, वो जस्ट वीडियो बनाने के लिए जितना मैं खुद से बनाऊंगा वही बना के वो पाउडर वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि अभी है हमारा फैक्ट्री वगैरह बंद, हमारा ऑफिस भी बंद ही है आज इस टाइम पर वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से हमने बहुत छोटा सा क्वांटिटी लिया है। अब यहाँ पर हमारा मसाला हो चुका है तैयार, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, ये हमारा मसाला सन के हो चुका है तैयार, ठीक है। अभी अब हम अपना ये मसाला बढ़िया तरीके से सान लेना है हमें, पता नहीं आपके यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, मसाले को गूंध लेना है बढ़िया तरीके से। इसके बाद जो ध्यान देने योग्य चीज़ होती है कि ये जो सरफेस देख रहे हैं आप, ठीक है, हालांकि ये तो स्टील का है बट कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्टील का ही होना चाहिए, आप इसके जगह पे लकड़ी का भी बनवा सकते हो, बट उसमें ये ध्यान में रखना है कि वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लकड़ी का हो तो वो और भूरा धुरधुरा मतलब उबर खाबड़ जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम मैंडेटरी है, ये चिकना होना चाहिए, यदि चिकना नहीं होती है तो फिर परेशानी आएगी, वो हाथ में ज़्यादा चिपकेगा या बहुत तरह की परेशानी होती है, तो ये चीज़ कर लेना है पहले हमें। और इसके बाद हमें थोड़ा सा सूखा हुआ मसाला ले लेना है, थोड़ा सा डालो यहाँ पे, और हमें थोड़ा सा ये सूखा हुआ मसाला ले लेना है, जैसे आप मान के चलो कि रोटी बनाते हो, ठीक है, तो रोटी बनाते वक्त आप आटा लेते हो, परथन बोलते हैं उसको, या आप जो भी बोलते हो, वो इसलिए लेते हो आप आटा कि वो सटे नहीं, जब वो उसका सरफेस बड़ा होता है तो वो सटे नहीं नीचे वाली परत पे या फिर हाथ में या इसमें सटे नहीं, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। इसके जगह पे आप कोई और कलर का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो अगरबत्ती का थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी ब्लैक रॉ अगरबत्ती बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और यूज करना उतना इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है, यहाँ पे ब्लैक ही रहने देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने ब्लैक पाउडर ले लिया है। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पे हमने ये पाउडर ले लिया है, अभी अब पहले इसको एकदम से ये बम्बू स्टिक हमने लिया है, ये तो हालांकि चाइना बम्बू स्टिक ही है, बाकी आप इसके जगह पे हैंडमेड बम्बू स्टिक होता है जो आखिर आप ये देख रहे हो, ये तो मशीन मेड है, बाकी आप इसके जगह पे हैंडमेड बम्बू स्टिक भी यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप इसे रोल करोगे, स्टार्टिंग में तो परेशानी आती है, अब मान के चलो हम भी अगर पहली बार कर रहे होते तो इस तरह से शानदार क्वालिटी की रोल नहीं कर पाता मैं, परंतु मैंने पहले भी कई बार किया हुआ है, लगातार करता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखाता रहता हूँ, तो देख सकते हैं कितनी शानदार क्वालिटी की रॉ अगरबत्ती यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले साइड में रख देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। इसका ये रोल करने का ना कोई अपना प्रॉपर टेक्निक नहीं होता है, ठीक है, ये जो रोल करने की विधि होती है ये एक्चुअली अपना लोगों का अपना अपना प्रैक्टिस होता है, लोग अलग अलग तरीके से, आपको जस्ट ये कर लेना है कि भैया इसमें पाउडर स्टिक के ऊपर चढ़ जानी चाहिए, आपको ऐसे रोल करना है, ठीक है। अब बार बार देखो यहाँ पे सटेगा ये, ठीक है ना, तो ये जो सट रहा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ये ले लेंगे, और यहाँ पे ये अपना दूसरा तैयार हो गया। जैसे जैसे
व्यक्ति पुराना होगा, अनुभवी होगा, तो उसके काम करने की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ती जाती है। इसके साथ जो होती है कि फिनिशिंग, वो फिनिशिंग भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने अनुभवी हो, जितना ज़्यादा आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आप देखो यहाँ पे ये सट रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ये सट रहा है, ठीक है। तो अभी अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हल्का सा ये पाउडर हाथ में लगा करके और इस पे ऐसे इसको प्रेस करेंगे, तो ये अब यहाँ पे जो सट रहा था वो हट चुका है। ये अपना फिर से एक शानदार क्वालिटी की अगरबत्ती तैयार हो गई। बेसिकली इस काम के ऊपर जो है कि ज़्यादा आपको जोर ये रखना है कि कोई महिला ही करे, क्योंकि ये इतना स्लो काम होता है कि एक जेंट्स के अंदर मुझे नहीं लगता है कि उतना पेशेंस होता है कि वो इसको काम कर सके, और फाइनेंशियली भी ये कार्य लगभग महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। तो ये आपको महिलाओं को, आसपास की जो भी महिलाएँ वगैरह हों तो उनको आपको इस कार्य के लिए ट्रेंड करके उनसे आपको काम लेना है, उनको रोजगार देना है। और जल्दी ही दोस्तों हम लोग एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें कि आपको मसाला अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है वो हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे कंटिन्यूड रहिएगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आनी बाकी है। बीच में थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी तो बहुत कम वीडियो जा रही थी, बाकी अभी अब आगे कंटिन्यू एकदम धमाकेदार वीडियोज आती रहेंगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, बशर्ते कि आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट बना रहे। तो छोटी छोटी अंतराल पे अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी जिससे कि आपको बिजनेस के अंदर मदद मिलती रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना स्मूथली यहाँ पे हम लोग रॉ अगरबत्ती बना रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बार बार सट रहा है, चूँकि मैं बहुत ही कम मात्रा में जो अपना ये सूखा हुआ पाउडर है वो ले रहा हूँ, इसलिए बार बार ये सट रहा है। तो ये चीज़ आपको करना है, थोड़ा सा नज़दीक ले करके ऐसे ये देखो, कि यदि आप इस तरह की रॉ अगरबत्ती हमारे यहाँ आके बनाना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं। यदि आप अपने एम्प्लॉईज को सिखाना चाहते हैं हमारे द्वारा, हमारे यहाँ से एक्सपर्ट को बुला करके, तो वो सर्विस भी हम लोग देते हैं। तो आप अपने यहाँ महिलाओं को या अपने एम्प्लॉईज को यदि ये चीज़ सिखाना चाहो कि हमारे लोग जाके आपके वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे सके, तो एक नॉमिनल फी के ऊपर हमारे लोग वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ सिखा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो भी रॉ मटेरियल्स होती है वो भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी एकदम रिजनेबल रेट के ऊपर। बाकी प्राइस की आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या प्राइस पड़ता है इसका प्रति किलो, कौन सा मटेरियल कितना पड़ता है, फिर प्रति किलो आप ये क्या कॉस्ट इसका आता है आपका, अब वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब देख लो यहाँ पे सट गया, इस कारण से बिगड़ रहा है। तो अभी इसको क्या करना है, यहाँ से बढ़िया से
पोंछ लेना है हमें बढ़िया तरीके से, यहाँ पे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से इसे एकदम गोल कर लेना है, नीचे थोड़ा सा पाउडर वगैरह ले लेना है, अभी अब हम लोग इसे फिर से इसको रोल करना स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे लगता है ये YouTube के ऊपर पहली बार इस तरह का कुछ आप देख रहे होंगे जिसमें कि आपको बारीकी से ये सिखाया जा रहा हो कि हैंडमेड रॉ अगरबत्ती कैसे बनाते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में हम लोग इसकी प्राइस वगैरह के बारे में बात करेंगे कि क्या इनका प्राइस वगैरह होता है प्रति किलो, आप कितने रुपये खर्च करके ये चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है, और प्रतिदिन का इससे आपका कितना का मुनाफा वगैरह हो सकता है, आप इसे मार्केट में बेच के कितना बचत कर सकते हो, कैसे लोगों को रोजगार दे सकते हो, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। तो देख रहे हैं काफ़ी शानदार क्वालिटी की ये रॉ अगरबत्ती हमारी तैयार हो चुकी है। चूँकि उतना फास्ट मैं भी नहीं बना पा रहा हूँ, चूँकि हमेशा तो हम लोग बनाते नहीं हैं, जस्ट अगर किसी को कुछ सिखाना हो तो ही हम लोग बनाते हैं, बाकी बनाने के लिए तो लोग होते हैं जो परमानेंटली बनाते हैं, अब वो ज़्यादा फास्ट बना पाते हैं, ये इस बात का आइडिया आपको भी होगा, ठीक है। नए लोगों के लिए जो इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये मसाला बार बार सटने का, ये बहुत भारी समस्या होती है, बट यदि आप इसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो फिर कोई बड़ी समस्या नहीं रहती है, फिर आप इससे जीत जाते हो, ठीक है। तो बस ज़रूरत होती है कि आप इसको कंटिन्यूसली करते रहो, बस दो चार पांच और मैं यहाँ पे तिलिया बना लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे की जो भी बातें हैं। फिर से देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये सट गया है, इसमें मुझे लगता है पाउडर में थोड़ा सा जोश ज़्यादा पड़ गया, बाइंडर ज़्यादा पड़ गया है, इस कारण से थोड़ा सा ये ज़्यादा स्टिकी नेचर का हो रहा है, बाकी कोई नहीं, होता रहता है ये चीज़।
यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ बत्तियाँ बनाया है जो कि अभी गीली है सबकी सब, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा ये ब्लैक वाला पाउडर डाल देते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना, आपको दिखाने के लिए है ना। ताकि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रॉ अगरबत्ती यहाँ पे हमारा हैंडमेड वाला तैयार हो चुका है। अभी अब हम लोग आगे इसका क्या प्राइस वगैरह आता है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है ताकि आगे हम लोग और भी इस तरह की चीज़ें लेके आते रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा अभी कि कैसे रॉ अगरबत्ती बनाई जाती है बिना मशीन के, बिना किसी मशीन के, केवल हाथों के द्वारा। तो अभी अब हम लोग इसका प्राइस सिनेरियो समझते हैं। आप इसको व्यवसाय के रूप में कैसे अपना सकते हैं, क्या इसका आप प्रतिदिन कितना कमा सकते हैं इसके माध्यम से, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये इस गोले से जो हमने ये अगरबत्ती बनाया है, तो इसे बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की बेसिकली आवश्यकता हुई थी। जो पहली थी अपना प्रीमिक्स पाउडर, ठीक है। उस प्रीमिक्स पाउडर के अंदर चारकोल पाउडर, जोस पाउडर या फिर जिकेट पाउडर या गौरगम पाउडर, तीन मुख्यतः चलन में है, उसमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि अभी इस तीनों का एक कॉम्बो बना करके आपको प्राइसिंग वगैरह समझाते हैं। तो इस तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग प्रीमिक्स बोलते हैं। चारकोल पाउडर, सॉडस्ट पाउडर और बाइंडर तीन प्रकार के होते हैं, जोस, गौरगम और जिकर। तो इस तीनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं या किसी कॉम्बिनेशन करके कोई दो का भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तीन मटेरियल का जो कॉम्बो होता है उसको प्रीमिक्स बोलते हैं। तो उस प्रीमिक्स तो हमें यहाँ पे बेसिकली प्रीमिक्स और बम्बू स्टिक की आवश्यकता होती है इस टाइप की हैंडमेड रॉ अगरबत्तियों को बनाने के लिए। तो अभी अब हम लोग इसका प्राइस समझते हैं। तो प्राइस इसका जो प्राइस रॉ अगरबत्ती का जो प्राइस होता है वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रीमिक्स का क्या प्राइस होता है, बम्बू स्टिक का क्या प्राइस होता है, फिर उसका कैलकुलेट करने का क्या विधि होता है, उन सारी चीज़ों को पहले हम लोग समझते हैं। तो ये जो प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स अलग अलग क्वालिटीज़ की आती है मार्केट के अंदर। आप जिस भी क्वालिटी का लोगे, चूँकि मार्केट में हर तरह की चीज़ों की डिमांड है, किसी को अच्छा चाहिए, किसी को थोड़ा सा सस्ता चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो सस्ता होगा वो उतना बेहतरीन क्वालिटी का नहीं होगा। बाकी चूँकि मार्केट में चल रहा है तो आपको हो सकता है रखना पड़े, बनाना पड़े। तो प्रीमिक्स का जो प्राइस होता है वो लगभग 22 रुपए से लेके 30 रुपए किलो तक वेरी करता है अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से। मैं जो अभी प्राइस बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, जस्ट ये कैलकुलेशन पर्पस से है। हो सकता है कि आप जब ख़रीदने जाए कहीं भी हमारे पास या कहीं और, महीना, दो महीना, साल भर बाद, तो प्राइस डिफरेंस हो सकता है, चूँकि प्राइस ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको आपको हमेशा ये नहीं करके चलना है कि वही फिक्स प्राइस है, ठीक है। तो 22 रुपये से 30 रुपये प्रति किलो इसका प्रीमिक्स पाउडर होता है, जो कि अलग अलग क्वालिटीज़ के ऊपर जो प्राइस है वो वैरी करती है। तो यहाँ पे हम लोग एक 22 रुपये प्रति किलो वाले पाउडर के हिसाब से प्राइस निकाल के देखेंगे और फिर वो कितने में बिकता है उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है, क्या उस पर मार्जिन होता है। फिर 30 रुपये वाला जो पाउडर है उस पर हमारा कितना टोटल खर्चा आता है, बनता कितने में है वो एक केजी अगरबत्ती, और वो बिकता कितने में है एक केजी अगरबत्ती, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये अपना प्रीमिक्स जो है 22 रुपए किलो वाला वो ले लेते हैं। इसके बाद जो अगला आवश्यकता है हमारा बम्बू स्टिक का, बांस की जो लकड़ी होती है जिसमें हम लोग मसाले को लपेटते हैं, वो बम्बू स्टिक। तो बम्बू स्टिक एक्चुअली हैंडमेड रॉ अगरबत्ती के अंदर हैंडमेड बम्बू स्टिक भी लगता है, चूँकि चाइना वाला जो बम्बू स्टिक होता है मशीन मेड वो बहुत ही महंगा होता है। अगर उससे हम लोग बनाते हैं तो जो अपनी रॉ अगरबत्ती है वो बहुत महंगी हो जाएगी। तो चूँकि आप जब बहुत महंगी हो जाएगी और बम्बू स्टिक से अगरबत्ती के क्वालिटी का कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो बम्बू स्टिक हम लोग हैंडमेड रॉ अगरबत्ती में हैंडमेड वाला ही यूज करते हैं, जो कि अपना इंडियन होता है, प्राउडली इंडियन होता है और रूरल एरियाज के होते हैं, ठीक है।
जिससे 100% हमारे इंडिया के लोगों को ही रोजगार मिलता है, हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। आप अपने गांव में कार्य करोगे तो हो सकता है आपके गांव के ही लोगों को 100% ये रोजगार मिले। आप बम्बू स्टिक खुद से भी बनवा सकते हो, बना हुआ भी ले सकते हो। अब जो एक अप्रॉक्स कॉस्ट होता है वो 35 रुपीज़ से लेके 50, 60, 70 अलग अलग जगहों पे कुछ भी हो सकता है, वो वैरी करता है। जहाँ पे जिनको जिस रेट में बोलते हैं ना पोसाई पड़ता है उस हिसाब से लोग बेचते हैं, तो वो प्राइस भी वैरी करता रहता है। तो हम लोग एक अप्रॉक्स लेंगे। यदि आप खुद से बम्बू स्टिक बना सकते हो, आपके पास स्किल्ड लोग हैं तो आप खुद से भी बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और सस्ता पड़ेगा आपको और आपके लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे बम्बू स्टिक का हम लोग कॉस्ट 22 रुपये अवेल है प्रीमिक्स के साथ, 35 रुपये या फिर 40 रुपये का कॉस्टिंग लेते हैं। एक केजी बम्बू स्टिक के अंदर लगभग 4500 पीस लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। एक केजी बम्बू स्टिक के अंदर 4000 से 4500 के अराउंड इस टाइप की बम्बू स्टिक्स होती हैं। ये तो अपना चाइना वाला है, बट हमें यूज करना है इसमें हैंडमेड वाला इंडियन, ठीक है। चाइना वाला इसमें नहीं यूज करना है, आप चाहे जिस भी पर्पज से कर रहे हो, बट चाइना वाला इसमें यूज नहीं करना है। तो एक केजी बम्बू स्टिक के अंदर हमारा 4000 से 4500 के अराउंड स्टिक होता है। हम लोग यहाँ पे 4200 एक एवरेज, या फिर आप 4000 ही लेके चलो, जितना कम लेके चलो उतना बेहतर है, आपको प्राइसिंग करने में मदद मिलेगी। तो हम लोग एक केजी में यदि 4000, एक केजी बम्बू स्टिक के अंदर यदि 4000 स्टिक होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक केजी बम्बू स्टिक से हमारा 4000 अगरबत्ती तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना मोटा अगरबत्ती बनाना है। आप जितना मोटा अगरबत्ती बनाओगे उतना सस्ता पड़ेगा, जितना पतला अगरबत्ती बनाओगे उतना महंगा पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 850-900 यूजुअली हैंडमेड के अंदर चलता है 850-900। तो हम लोग यहाँ पे 900 एक केजी के अंदर 900 पीस स्टिक वाली अगरबत्ती की कॉस्टिंग वगैरह करेंगे कि क्या कॉस्टिंग आती है सिर्फ रॉ मटेरियल का। तो एक केजी बम्बू स्टिक में 4000 स्टिक था अपना, तो 4000 स्टिक का यदि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, 4000 स्टिक को यदि 900 से भाग देते हैं, मीन्स एक केजी बम्बू स्टिक से जो टोटल अगरबत्ती हमारा तैयार होगा वो 4 किलो 400 ग्राम तैयार होगा, ठीक है। 4 किलो 440 ग्राम टोटल रॉ अगरबत्ती हमारा तैयार होगा। तो इस 4 किलो 440 ग्राम के लिए एक केजी तो हमारा पहले से इसमें बम्बू स्टिक है, तो ये एक केजी हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना 3 किलो 440 ग्राम, ठीक है। तो 3 किलो 440 ग्राम हमारा यहाँ पे ये ब्लैक वाला पाउडर लगना है, 3 किलो 440 ग्राम हमारा ब्लैक वाला पाउडर लगेगा। तो 3 किलो 440 ग्राम लगता है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस 3 किलो 500 ग्राम का रखेंगे, ठीक है। चूंकि थोड़ा बहुत पाउडर वेस्टेज भी जाता है, तो हम लोग जो प्राइस है वो यहाँ पे 3 किलो 440 ग्राम का ना जोड़ के 3 किलो 500 ग्राम का जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 किलो 500 ग्राम का यदि हम लोग 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्राइस जोड़ते हैं, 3 किलो 500 ग्राम प्रीमिक्स का यदि हम लोग 22 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्राइस निकालते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस हो जाता है 3 किलो 500 ग्राम प्रीमिक्स का, वो 77 रुपीज़ हो जाता है, 77 रुपया। अब इसमें हम लोग बम्बू स्टिक का प्राइस ऐड कर देते हैं 40 रुपया। आपके मार्केट में यदि बम्बू स्टिक का, हैंडमेड बम्बू स्टिक का प्राइस ज़्यादा है या कम है, ये आप जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ ये एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, हो सकता है वेरी करेगा, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो 22 रुपया प्रीमिक्स के हिसाब से हमारा पाउडर का जो प्राइस है वो 77 रुपया हो गया है। अभी अब हम लोग इसको इसमें बम्बू स्टिक का प्राइस ऐड कर देते हैं 40 रुपया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो जो टोटल कॉस्टिंग है दोस्त, यहाँ पे हमारा हो गया है 117 रुपया। अब 117 रुपया में हमारा तैयार कितना हुआ है, 117 रुपये में हमारा तैयार हुआ है 4 किलो 440 ग्राम अगरबत्ती, ठीक है। तो हम इसको 100
117 भागा 4 किलो 440 ग्राम यदि कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 1 केजी का रेट आ जाता है, 1 केजी रॉ अगरबत्ती का रेट आ जाता है वो 26 रुपया 35 पैसा 1 केजी हैंडमेड रॉ अगरबत्ती बनाने का जो कीमत होता है सिर्फ रॉ मटेरियल का, इसमें लेबर चार्ज ऐड नहीं है। अब वो आप अपने एरिया के हिसाब से इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। वो भी हम लोग बात करेंगे आगे कि लगभग एक व्यक्ति कितना बनाता है, क्या एफिशिएंसी होता है उनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये अपना जो 117 रुपया है वो अपना टोटल कॉस्टिंग आया था 4 किलो 440 ग्राम अगरबत्ती के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट निकाल लिया है 1 केजी का 26 रुपया 35 पैसा, ठीक है। अब रही बात ये बिकती कितने में है, तो ये हैंडमेड अगरबत्ती आपको मार्केट में अगर रॉ अगरबत्ती आप बेचते हो तो वो डिपेंड करता है, वो भी आपके बेस मार्केट के ऊपर, आपके मार्केट में क्या चल रहा है। बाकी जो एक एवरेज होता है, ठीक है, वो हम लोग यदि देखें तो 50 रुपये से लेके 60-65 रुपये तक आराम से हैंडमेड रॉ अगरबत्ती बिकता है। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं से कोई दोराय नहीं है, आपका 50 रुपये से लेके 60-65 रुपये प्रति किलो तक आराम से बिकता है। और जहाँ तक प्रॉफिट मार्जिन की बात है तो आप मशीन में ड्रॉ अगरबत्ती के अंदर जितना बचता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा मार्जिन आपका इस हैंडमेड ड्रॉ अगरबत्ती के अंदर होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। यदि आपने अभी तक मशीन में अगरबत्ती का रेट कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या उस पर कॉस्टिंग आता है वो नहीं देखा है तो जल्दी ही उसके ऊपर हम वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे उसका आप रेट कैलकुलेट करते हो और सही तरीका क्या है उसका रेट कैलकुलेट करने, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि 1 केजी रॉ अगरबत्ती का जो मार्जिन है, जो खर्चा है 1 केजी रॉ अगरबत्ती बनाने के ऊपर केवल मटेरियल का, वो हमारा यहाँ पे आ जाता है 26 रुपया 35 पैसा। आप इसको बढ़ा के 27 रुपया कर सकते हो, हालांकि जो मटेरियल थोड़ा बहुत वेस्ट जाता है, उड़ता है, छिटाता है या किसी भी तरीके से जो वेस्ट जाता है, तो वहाँ पे हमने लगभग 60 ग्राम पाउडर एक्स्ट्रा ले लिया था। फिर भी आप इसमें 26 रुपया 35 पैसा हो रहा है तो आप इसको 65 पैसा और बढ़ा के 27 रुपया कर लो, कोई नहीं। अब इसको यदि हम लोग 27 रुपया मान के चलते हैं, 27 रुपया यहाँ पे अगर हमारा कॉस्टिंग आ रहा है, अब प्रतिदिन एक महिला स्टार्टिंग में तो बहुत कम बनाएगी, 2-4 किलो बनाते बनाते थोड़ी सी जो नई महिलाएं होंगी जो पहले कभी काम नहीं किया है जिन्होंने, उन्हें थोड़ी सी परेशानी आती है। जैसे देख लो कि ये बत्ती बनाने के लिए बॉस इस तरह से कुछ बैठना पड़ता है, ठीक है, जो कि नए लोगों के लिए, अगर कोई जो व्यक्ति कभी भी इस तरह से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बैठा है उनके लिए थोड़ा सा ये परेशानी भरा हो सकता है। तो नए लोग को थोड़ी सी स्टार्टिंग में परेशानी होती है बत्ती बनाने के लिए, बट जब वो ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है, जब वो पूरा अनुभवी हो जाते हैं तो वो एक महिला एक दिन में मिनिमम यदि बनाती है तो 8-10 केजी अगरबत्ती आपका बनाएगी मिनिमम। बाकी उसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैक्स कितना बना सकती है, 12-15 केजी तक लोग आराम से बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग आती है, आप अगर रूरल एरिया में हो तो आपको 4,000-5,000 में महिलाएं, बहुत सारी बेरोजगार है जिनको आप 3,500-4,000-5,000 की अगर एक रोज़गार देते हो तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है और आराम से आपको लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। यदि आप उनको 4,000 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से देते हो तो 30 दिन का इस पर अपना 133 रुपया का खर्चा आता है, ठीक है, एक महिला के ऊपर एक दिन का आपको 133 रुपये का खर्चा आता है, 133 रुपया का खर्चा आता है एक महिला के ऊपर एक दिन का, ठीक है। तो एक महिला को यदि आप प्रतिदिन 133 रुपया देते हो, ठीक है, और एक दिन के अंदर वो 10 केजी बनाती है तो जो अपना उस पर लेबर चार्ज हो गया, ठीक है, अब वो 13 रुपया 33 पैसा आता है। अब वो लेबर चार्ज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आपके एरिया में लेबर चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट हमारे यहाँ तो भाई साहब यही है बिहार के अंदर, खास करके जो भी अपना ये पूर्वांचल का एरिया है यहाँ पे 3,000-4,000-4,500-5,000 मैक्स जाता है महिलाओं के लिए। इतने में
बहुत सारी बेरोजगार महिलाएं हैं जिनको इतना भी नहीं मिल पाता है, तो इनके लिए ये बहुत मददगार होता है इतने सैलरी का कार्य भी। ठीक है, तो 13 रुपया 33 पैसा यहाँ पे हमने जोड़ा है एक महिला के ऊपर, जो हमारा एक केजी रॉ अगरबत्ती बनाने के ऊपर जो हमारा लेबर कॉस्ट आता है वो 13 रुपया 33 पैसा आता है। अभी आगे हमारा जो इसके ऊपर मटेरियल का कॉस्टिंग आया था वो आया था 27 रुपया, तो यहाँ पे हमने जोड़ा 40 रुपया अपना एक केजी रॉ अगरबत्ती का टोटल खर्चा आ गया। अब इसके ऊपर इसमें अलग से कुछ भी खर्चा नहीं है। ठीक है, तो ये 40 रुपया अब बाकी 40 रुपया ये इसका फाइनल प्राइस है। ठीक है, इसका ऊपर इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं जाएगा। हाँ, अगर हो सकता है आपके एरिया में थोड़ी बहुत अगर लेबर महंगी हो, महंगे लेबर मिलते हों, तो थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ सकता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपका जो रेट है वो भी बढ़ा हुआ होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी एरिया वैकेंट नहीं है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे लोग ये बत्ती नहीं बना रहे हैं, लगभग हर जगह बन रहा है। तो उस हिसाब से जहाँ पे जो भी खर्चे हैं उस हिसाब से वहाँ पे रेट चलते हैं अलग अलग, कहीं 50 रुपये चलते हैं, कहीं 55 रुपये चलते हैं, कहीं 60 रुपये चलते हैं, 65 रुपये चलते हैं। महाराष्ट्र साइड में आपका 70 रुपये तक चलता है हैंडमेड रॉ अगरबत्ती, 70-75 भी चलता है। तो वो डिपेंड करता है कहाँ पे किस कॉस्ट का लेबर वगैरह आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल जो कॉस्टिंग अपना देख लिया है 40 रुपये प्रति किलो की आती है, और जो कि माल आपका सेल होता है सिर्फ रॉ अगरबत्ती। अगर आप इसको परफ्यूम करके सेल करते हो और आप तब तो एक अलग ही अलग लेवल का मार्जिन होता है फिर उसमें। बाकी अभी हम लोग सिर्फ रॉ अगरबत्ती के ऊपर बात कर रहे हैं, तो रॉ अगरबत्ती एक महिला आपका प्रतिदिन 10 केजी बना के देता है। आप यदि 10 महिलाओं से काम करवाते हो, बेचना कोई भी बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, परेशानी तो होती है नए लोगों को बेचने में भी, हर तरह की कुछ भी आप नया करते हो तो उसमें परेशानी होती है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप काम करने लग जाते हो तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, आपको परेशानियों से लड़ना आ जाता है, तो आपके लिए आसान थोड़ी सी हो जाती है। तो जब आप मान के चलो कि आप 10 महिलाओं के साथ काम कर रहे हो, 10 एम्प्लॉई के साथ 10 लोग बना रहे हैं, तो प्रतिदिन का आपका 100 केजी माल बन रहा है, और प्रति केजी 10, अगर 50 रुपये केजी हमने ये रॉ अगरबत्ती का प्राइस देखा है। हम लोग खुद बेचते हैं रॉ अगरबत्ती हैंडमेड, अगर हमसे कोई लेते हैं तो हम लोग अभी 58-60 के अराउंड बेचते हो। 50 रुपये केजी यदि आप बेचते हो, हालांकि इतना कम में बिकेगा नहीं, आपका 50 से ऊपर 55 के अराउंड 55-56-57-58 यदि आपका नहीं बिकेगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग भी करते हैं इस चीज़ के लिए माल सेल आउट कर। हाँ, एक चीज़ है कि किसी भी तरह का हमारे आपके साथ एग्रीमेंट नहीं होता है कि हम आपसे माल बाई बैक लेंगे या फिर आप बनाओ हम बेचेंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं होता है हमारे पास। जस्ट हम लोग हेल्प करते हैं, चूँकि लगभग ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास लीड्स आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं जिनको बत्ती की रिक्वायरमेंट होती है, और सभी हर जगह की बत्तियों की रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, जिनको कि हम लोग बत्तियों का ऑर्डर्स देते हैं वहाँ के लोकल लोगों के लिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, बट कोई कमिटमेंट नहीं होता है हमारे एंड से कि भैया हम आपको बत्ती हम आपका बेचेंगे, बट जहाँ तक होता है हम लोग कोऑपरेट करते हैं। तो यदि 50 रुपये प्रति किलो बेचते हो तो प्रति किलो 10 रुपये की आपकी मार्जिन होती है, और 10 महिलाओं के साथ आप काम करते हो तो 100 केजी प्रतिदिन का आपका माल बनता है। ठीक है, अब 100 केजी प्रतिदिन का यदि आपका माल बनता है तो आप खुद से जोड़ लो कि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपका 1000 रुपीज़ का पर डे का आपका अर्निंग होता है। ठीक है, अभी चूँकि हमने इसमें रूम रेंट वगैरह नहीं जोड़ा, चूँकि इसमें कोई बहुत बड़े जगह की आवश्यकता नहीं होगी, लोग घर पे करते हैं, घर पे लगभग सभी को जगह होती है। अगर आप इसमें रूम रेंट वगैरह ऐड करते हो 2-3 हज़ार रुपये, तो आप 30 हज़ार रुपये के महीने से उसमें से माइनस कर लेना। बाकी जो जेन्यून चीज़ें थी, जो फैक्ट थी, वो हमने बता दिया है। बाकी इस रिलेटेड अगर कोई भी ट्रेड से रिलेटेड इंक्वायरी होती है आप लोग, तो डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल चल रहा है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे ग्रो करके अपना बिज़नेस चला सकते हैं। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आप अगरबत्ती बिज़नेस के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, नॉलेज का खजाना भरा हुआ है,
आप वहाँ से जाइए, बहुत सारी वीडियोज है, आप देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप अगरबत्ती बिजनेस के रिलेटेड किसी भी तरह की आपका कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे वो बेहतरीन क्वालिटी की अगरबत्ती परफ्यूम हो, बेहतरीन क्वालिटी की अगरबत्ती की पैकिंग मटेरियल्स हो, या फिर बेहतरीन क्वालिटी की अगरबत्ती से रिलेटेड कोई भी मटेरियल एकदम अफोर्डेबल रेट के ऊपर आपको हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। तो एकदम निर्भीक होकर आप हमें कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। हाँ, कॉल करिए तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि अब जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बता दिया वो चीज़ आप दोबारा फ़ोन पे ना पूछें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, समझ रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैंने अपने एंड से 100% जानकारी दी है आप लोगों को हैंडमेड रॉ अगरबत्ती से जुड़ी हुई, और 100% जेन्यून जानकारी दी है, सच्चाई के साथ जो भी हकीकत है वो मैंने बताया है। आपको यदि लगता है कि हमने इसके लिए मेहनत किया है, देख पा रहे हो कि किस तरह से हमने बैठा हुआ है, ठीक है, एक जुनून के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वास्तव में हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको हमारे मेहनत का, चूँकि मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, हमारे मेहनत का यदि आपको कुछ लाभ मिल पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मसाला अगरबत्ती बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भैया करना क्या होगा कि हमारा जो YouTube चैनल है यादव गोल्डन ट्रेडिंग करके आप YouTube पे सर्च करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देखें इसलिए मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ कि यादव गोल्डन ट्रेडिंग करके आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा चैनल आएगा, वहाँ पर ज्वाइन का बटन होगा, ठीक है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा आप चैनल हमारा। सब्सक्राइब अलग चीज़ होता है, ज्वाइन अलग है, तो आप ज्वाइन कर लेने से आप हमारा एक मेंबर हो जाएंगे, परिवार के एक क्या बोलते हैं उसको, तहे दिल या आंतरिक सदस्य बन जाएंगे। तो उन मेंबर्स के लिए हम लोग अलग से कुछ प्रीमियम कंटेंट बना के शेयर करते रहते हैं, और बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट बना के शेयर करने का प्लान है हमारा। तो आपको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, मेंबर बन जाइएगा, तो सबसे पहले उन्हीं को देखने को मिलेगा जो कि हमारे मेंबर्स होंगे, और उनको मसाला अगरबत्ती कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है, क्या खर्चे आते हैं, क्या क्या रेट में आप उसको बेच सकते हो, प्रतिदिन कितना बन सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको उस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है बट मेरा जी तो कर रहा है और भी बहुत सारी बातें करने का, क्योंकि आज ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में, शूट करने में, मतलब ये नहीं लग रहा है कि बहुत टाइम हो रहा है, थकान जैसे कुछ महसूस नहीं हो रही है, बट वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।